बच्चों अभी फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक तो पढ़ लिए, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ये थोड़े सिंपल नहीं है, ये अलग है। फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर ये दोनों अपने आप में अलग क्वेश्चन है। अलग क्यों है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते थे, 3x - 4y = -7 यहाँ पर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये जो है एक्स, एक्स के साथ में क्या है 3 है ना, और वाई के साथ में क्या है 4। जो साथ में होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। यानी एक्स के साथ में भी कोएफिशिएंट था, वाई के साथ में भी कोएफिशिएंट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसी एक के साथ ही कोएफिशिएंट था, यानी एक्स के साथ। अगर मान लो ए इसके साथ में, एक्स के साथ में कोएफिशिएंट है तो वाई के साथ में नहीं होगा, या तो वाई के साथ में कोएफिशिएंट है तो एक्स के साथ में नहीं होगा। यानी किसी भी एक को था तो वो इजी है, किसी एक को। लेकिन अगर दोनों के साथ में कोएफिशिएंट है, यानी एक्स के साथ में भी कोएफिशिएंट है, वाई के साथ में भी कोएफिशिएंट है, यानी कोई नंबर, कोएफिशिएंट है कोई नंबर, एक्स के साथ में भी है, दोनों के साथ में अगर कोएफिशिएंट हो, यानी दोनों के साथ में नंबर हो, तो थोड़ा सा चेंज कर दो क्वेश्चन को, थोड़ा चेंज कर दो। आप जिस मेथड से निकालते हो उस मेथड से नहीं निकालना, थोड़ा चेंज कर दे तो जल्दी होगा। अगर आप जिस प्रकार से पहले करते थे वैसा अगर करने की कोशिश करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलो हम नए टाइप से करते हैं, जिससे कि दोनों कोएफिशिएंट होने के कारण आपको क्या करना चाहिए हम देखते हैं। सबसे पहले 3x - 4y = -7। ओके, तो आपको क्या करना है, एक तो x लेफ्ट साइड में रखो या y, सिर्फ वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पर 3x = -7, ये -7 है, ये देखो ये जो -4y है ये उधर लेके जाओ राइट साइड में, ये -4y क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +4y हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, 3x माइनस, देखो -4y राइट साइड में, +4y। अभी x रखते हैं -7 + 4y, अब ये मल्टीप्लाई है 3 × x मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई का कहाँ चले जाएगा, डिवीजन, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो इस प्रकार से ये बन गया। आपको सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे अच्छा तो ये दिखने में इससे जल्दी निकल जाएगा, नहीं इससे जल्दी नहीं निकलेगा, इससे आपका आंसर फर्स्ट जल्द से जल्द आएगा। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको हमने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। आपको ये सोचना है कि ये इक्वेशन नहीं है, यही वाला इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या लेना है, तो वाई की वैल्यू क्या लेना है, बराबर। तो -7 और +4, अब बस वाई की वैल्यू रखना है और डिवाइड बाय 3, बस ये वाई की वैल्यू रखना है कुछ भी। तो देखो सबसे पहले तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 बन जाए, कितना हो जाएगा 4, 4 बन जाए 4 हो जाएगा। अब -7 और +4, ये 4 1 रखता हूँ तो 4 बन जाए 4, तो -7 + 4 तो माइनस, ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो -7 + 4 कितना होता है प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन -3 हो जाएगा, और -3 / 3 आंसर कितना जाएगा 1, लेकिन कौन सा आंसर आ जाएगा -1। तो मुझे बताइए आपने x की वैल्यू कौन सी ले ली है 1, सॉरी y की वैल्यू, ये y है, y की जगह क्या रखा 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी -1, x की वैल्यू निकल गई, पहले y पुट अप करना है तो x निकल जाएगा, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। देखो मैं सामने में ये कैलकुलेशन कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो चुका है। अब सेकंड और सेकंड निकालते हैं, -7 + यहाँ 4 है, अब यहाँ ब्रैकेट में -7 + 4, ये ब्रैकेट में y, और डिवाइड बाय क्या रखते हैं 3। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू रख देते हो, 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, तो बताओ 4 × 2 जा कितना होता है 6, तो -7 + 6 8 हो गया, तो -7 + 4 = 8। अब मुझे बताइए 8 + 8 - 7 कितना होता है 1, और 1 को डिवाइड बाय 3 हो सकता है क्या, 1 3 से नहीं कटता, इसलिए आपको ये 2 वैल्यूएशन नहीं देना पड़ेगा, थोड़ी सी बढ़ा देते 3 कर देते, ठीक
कितने कर रहे थ्री। अब बताओ फोर थ्री का कितना होता है ट्वेल्व, फोर थ्री का कितना होता है ट्वेल्व। अब ट्वेल्व माइनस सेवन कितना होता है फाइव, फाइव भी थ्री से नहीं कटता है, चलो हटाओ नहीं कटता है तो फोर। अब फोर फोर का कितना हो जाता है सिक्सटीन, यही की वैल्यू चेंज करके आप निकाल सकते हो। तो फोर फोर का सिक्सटीन, तो सिक्सटीन माइनस सेवन कितना होता है सिक्सटीन माइनस सेवन नाइन, सिक्सटीन माइनस सेवन नाइन। तो बताओ नाइन कटता है थ्री से कितने बार, थ्री बार। तो इसका मतलब आपको इसकी वैल्यूएशन कितनी लेना है फोर, y की वैल्यूएशन फोर, तो x की वैल्यूएशन कितनी आ रही है फोर रखते हो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी थ्री फोर। ओके अब और एक बार एक वैल्यू बची हुई है तो माइनस सेवन प्लस ये फोर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये पहले वन लिए थे उसके बाद में आपने फोर ले लिए डायरेक्ट, वैल्यूएशन वन की जगह क्या ले लिए फोर, तो उसी मल्टीपल में आगे जाना है फाइव नहीं लेना है। जैसे वन से डायरेक्ट फोर में चले गए तो फोर से और तीन नंबर आगे जाना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा सेवन। देखो ये वन से डायरेक्ट कहाँ चले गए, वन से थ्री में फोर पर चले गए, वन से कहाँ पर चले गए वन फोर, वन से लेकर फोर तक, तो फोर से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा सेवन तक। तो देखते हैं माइनस सेवन प्लस सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट डिवाइड बाई थ्री। तो बताओ 28 माइनस सेवन, 28 में सेवन माइनस करोगे तो 21 डिवाइड बाय 3, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी ये जो है ये y की वैल्यू है और ये जो लिख रही है x की वैल्यू है, तो x 7 y 7। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो चलो इस साइड की वैल्यू से निकाल लेते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो ठीक है। चलो हम राइट साइड की वैल्यू से निकाल लेते हैं, इसमें 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। कैसे, क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। जीरो कब आता है, किसी में से कुछ माइनस करने से 0 कब आता है, जब दोनों के वैल्यूएशन सेम हो। जैसे 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0 होता है ना। तो देखिए अब एक काम करते थे, ये देखो ये 5 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर कुछ वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट में x की वैल्यू रखते हैं, इस ब्रैकेट में y की वैल्यू रखते हैं ठीक है। और दोनों सेम होने चाहिए, यानी दोनों सेम है, ये वाला पार्ट और ये जो पार्ट है सेम होगा, तो ये तो इसमें से माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा ठीक है। तो देखो सॉरी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ 5, तो यहाँ मुझे कितना रखना पड़ेगा 2, 5 2 जा 10 माइनस 2 5 जा 10 हो गया, और 10 माइनस 10 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी 2 5 हो गया डायरेक्ट निकल। जब 0 है, 0 है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम चेंज करते हैं और वैल्यूएशन, अगर मान लो मैंने इसकी वैल्यूएशन ये 5 2 10 जा कर दिया है ना, 2 10 जा 20, तो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा। देखो 5 4 जा 20, 2 10 जा 20 हो गया, तो 20 माइनस 20 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना ले सकते हैं 4 और y की वैल्यू कितना ले सकते हैं 10 बराबर। तो यहाँ 4 10 और नेक्स्ट, चलो एक काम करते हैं बच्चों। अब देखो y की वैल्यू हमने 10 ले ली, अब 10 से आगे 15 में जाना पड़ेगा, इतनी सारी वैल्यूएशन नहीं लेना है, इतनी बड़ी वैल्यूएशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका ग्राफ में भी तो उतनी वैल्यूएशन चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा y ग्राफ तक कितना जाएगा 13 14 तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं, तो इतना नहीं लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर 6 लेते हो तो 6 2 जा 8 हो जाएगा, 5 को 8 नहीं कर सकते, 5 पे टेबल में ही 8 नहीं आता है बराबर। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ये 5 0 और 2 0 0, तो इसका है इसकी वैल्यूएशन 0 और इसकी वैल्यूएशन 0, तो 0 माइनस 0 0, तो इसकी वैल्यूएशन 0 इसकी वैल्यूएशन 0 बराबर। तो ये ले सकते हैं, तो x 0 y 0, तो 0 0, क्योंकि अगर ये 0 लेते तो 5 0 जा 0 और 2 0 जा 0, यानी आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हो ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, अभी हम इसको ग्राफिकल देखते हैं ठीक है। अब ग्राफ बराबर ध्यान से देखिए बच्चों,
ये हम फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, 3x-4y इज इक्वल टू -7 और 5x-2y इज इक्वल टू 0। मैंने ग्राफ पहले से ही बना कर रख चुका हूँ, आप भी बना लीजिए। और इसमें मैंने देखिए ये -1 और 1 -1 1 -1 ये x है, देखो x-1 ओके, x-1 और y का क्या है 1, तो देखो x-1 और y के सामने 1, देखो यहाँ आ गया पॉइंट, ये हो गया -1 और 1 -1 और ये 1 ओके। अब सेकंड ये आ गया 3 और 4 तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये देखो यहाँ पर 3 के सामने और 4 के सामने लिख लेते 3, 4 ओके। आफ्टर दैन 7 और 7 ओके, तो 7 और 7 देखते हैं बराबर है, तो ये 7 और 7 ये देखिए 7 और 7 ये यहाँ पर आ गया 7 और 7 के सामने 7 के सामने ये 7 और 7, तो ये तीनों पॉइंट को आपको जॉइंट करना है ना, ये तीनों पॉइंट को, तो ये तीनों पॉइंट को हम जॉइंट करते हैं बच्चों। तो देखिए बराबर ध्यान से बड़ी स्केल से ही जॉइंट कीजिए ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, अगर छोटी स्केल का इस्तेमाल करते हो तो ग्राफ में गलती होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं ठीक। तो मैंने तो बड़ी स्केल का इस्तेमाल कर चुका हूँ, हमेशा बड़ी स्केल का इस्तेमाल मैं करता हूँ और आपको सुझाव भी यही दूंगा ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम लिख लेते 3x-4y = -7, तो ये 3x-4y = -7 ये नाम लिख लें ओके। अब सेकंड इक्वेशन 5x-2y 0 है ना, 5x-2y 0, तो देखो ये 2 है और ये 5 है, 2 5, तो देखो ये 2 है और 1 2 3 4 5 यानी 2 के सामने में और 5 के सामने में ये हो गया 2 5, 4 10 क्या है 4 10 ओके। तो ये देखो ये 4 है और ये 10, ये देखिए बच्चों यहाँ आ गया 10, मैंने यहाँ स्केल लिख लिया, आप वहाँ से मिटा कर देखो, मैंने पेन से लिखा है अब मैं मिटा नहीं सकता हूँ, तो आप पेंसिल से अगर लिखा होगा तो ये स्केल जो है और 1 cm ये थोड़ा सा ये ऊपर में लिख लीजिएगा ठीक है। मैंने यहाँ लिखा तो मेरे हाथ से गलती हो गई, लेकिन आप ऐसी गलती अगर होती भी हो तो आप तो पेन से नहीं लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे, वो ग्राफ परफेक्ट विजुअल दिखना चाहिए इसलिए मैं पेन से ये कर रहा हूँ ठीक है। तो ये वाले स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 cm आप ऊपर कर दीजिएगा और ये 4 और 10 है, तो ये 4 10, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ 4 10 ओके। तो ये वाला पॉइंट हो गया 4 10 और ये 0 0 0 0 का मतलब होता है 0, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, यही वाला हो गया ये 0 0 ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है 0 0, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं पर भी लिखें, लेकिन ये 0 0 ये वाला पॉइंट लिखिए 0 0 ओके। बराबर ध्यान रखें, दिख रहा है आपको। अभी हम ये तीनों पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, तीनों पॉइंट यानी कौन से, ये देखिए ये 4 10 ये वाला एक, ये 2 5 वाला एक है ना, और ये 0, तो चलो हम ज्वाइन करते हैं, बड़ी स्केल से ही ज्वाइन करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बड़ी स्केल 10-15 रुपये की मिलेगी, उसमें कंजूसी ना करें ठीक है। देखो बड़ी स्केल से अच्छा ग्राफ निकलेगा, मैं पेन से निकाल रहा हूँ फिर भी देखो कितना अच्छा ग्राफ बन चुका है। तो आपका यहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट मिल रहा है कहीं तो भी है ना बच्चों, क्रॉसिंग पॉइंट, तो मुझे बताओ क्रॉसिंग पॉइंट देखो ये वाला है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट में देखा होगा बच्चों आपने 1 के बिल्कुल सामने में है, तो यानी एक्स की वैल्यू तो 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 1, लेकिन वाई की वैल्यू कौन सी है, तो देखो बराबर सेंटर में 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है, ये देखो ये यहाँ पर है ना, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में बिल्कुल परफेक्ट बीच में हो, तो यहाँ पर 2.5 नाम देना है, क्या नाम देना है 2.5, क्योंकि ये 1 तो हो चुका है लेकिन यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कौन सा होता है 2.5, तो ये आपका सॉल्यूशन पॉइंट हो गया। तो यहाँ सॉल्यूशन पॉइंट xy = 1 और 2.5 इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ बराबर देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।